नमस्कार, मैं पूजा वशिष्ठ आप सभी का बोल्ड स्काई में स्वागत करती हूँ। इस साल 19 अगस्त को कृष्ण जन्माष्टमी है। हर साल ये पर्व भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में कृष्ण भक्त द्वारा ये पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भक्त व्रत रखते हैं और मंदिरों में पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म मध्य रात्रि में हुआ था, इसलिए कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा रात में ही की जाती है। साथ ही रात्रि जागरण भी होते हैं। इस दिन लड्डू गोपाल के जन्म के बाद पंचामृत से स्नान कराया जाता है। साथ ही बाल गोपाल का श्रृंगार भी किया जाता है। उन्हें सुंदर वस्त्र, बांसुरी, मोरपंख, काजल, मुकुट, पाजेब जैसी चीजों से सजाया जाता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर आप बाल गोपाल का श्रृंगार कैसे करें। वस्त्र। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण को पीले, हरे, लाल मोरपंख से बने फूलों वाले वस्त्र, मीनाकारी, जरदोरी जैसे वस्त्रों से कान्हा को पहना सकते हैं। इससे कान्हा आप पर प्रसन्न होंगे। बांसुरी। बांसुरी कान्हा को अति प्रिय है, इसके बिना कान्हा का श्रृंगार अधूरा माना जाता है। ऐसे में कृष्ण जन्माष्टमी के दिन आप छोटी सी बांसुरी कान्हा के हाथों में रखें। मोर मुकुट। श्री कृष्ण को मोर पंख अति प्रिय है, इसीलिए जन्माष्टमी के दिन उन्हें मोर मुकुट जरूर पहनाएं। ऐसा करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। कड़े और बाजूबंद। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर चांदी या सोने के कड़े से लड्डू गोपाल का श्रृंगार करें, इससे जीवन में आ रही बाधाएं दूर होंगी। कुंडल। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन देवकी नंदन के कानों में सोने, चांदी या मोती से बने कुंडल जरूर पहनाएं। पाजेब और कमरबंद। जन्माष्टमी के दिन चांदी से बने पाजेब और पायल अपने गोपाल के चरणों में जरूर पहनाएं, साथ ही कमर में कमरबंद भी पहनाएं। माला। जन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल को मोतियों की माला या फिर वैजयंती की माला पहनाएं, साथ ही इस दिन आप पीले या लाल फूलों से बने माला भी कान्हा को पहना सकते हैं। टीका। इस दिन बाल गोपाल को माथे पर रोली और चंदन का टीका लगाएं, इससे आपके जीवन में शीतलता आएगी। तो आप जब स्नान कराने के बाद अपने लड्डू गोपाल को तैयार करें तो इन्हीं तरीके से लड्डू गोपाल का श्रृंगार करें। फिलहाल इस जानकारी में इतना ही। ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल बोल्ड स्काई को सब्सक्राइब जरूर करें।